जिन्हां ने अखीरले दम तक साडे लई राज पैदा करन दी तांग अपने दिलां दे विच बनाई रखी, अज उन्हां नूं याद भी कोई नहीं करदा। कौन सी महाराजा रणजीत सिंह तां किवें चुनौतियां भरी जिंदगी सी, खालसा राज नूं हौली हौली डिस्ट्रॉय कर दिता गया, पर अज महाराजा दलीप सिंह दी देह इत्थे दफन, चीख चीख के यह पुकारदी होएगी कि कित्थे आ साडा खालसा राज। दर्दां वाला देश आवाजा मारदा, ये शब्द जदों भी किसी पंजाबी या फिर सिख दे कन्नी पैंदे ने तां बिना देरी साडा ध्यान सिख राज दे आखरी महाराजा महाराजा दलीप सिंह वल खिंचिया चलिया जांदा। ये शब्द चाहे सतिंदर सरताज होरां दी फिल्म दी ब्लैक प्रिंस दे विच एक गीत दे होण, पर इउं लगदा कि ये उस राज दीआं बातां पा रहे होण। वो यादां उस वेले दीआं खालसा राज दीआं ताज़ियां करवा दिंदे ने। ये शब्द जदों कहा जांदा मैनू दर्दां वाला देश आवाज़ां मारदा, यानी कि महाराजा दलीप सिंह होरां दी ओ जर्नी पंजाब दे विच्चों किवें उस वेले दी अंग्रेज़ी हकूमत उन्हां नूं इंग्लैंड दी धरती दे उत्ते लै के आउंदी है, किवें उन्हां दा बचपन इत्थे गुजारिया जांदा, क्रिश्चियन रीति रिवाजां मुताबक उन्हां दा समां बतीत हुंदा, अखीर जदों वह जवान होंदे ने तां पता लगदा कि वह तां एक ऐसे महान राज दे वारस ने, वह तां एक ऐसे खालसाई जाहो जलाल दे नाल परनाए हुए उस राज दे वारस ने, ते उन्हां नूं किवें गुमराह करके इस धरती दे उत्ते लियांदा गया। जदों उन्हां नूं यह पता लगता तां फिर तांग उन्हां दे अंदर एक चिणक छिड़ जाती है कि वापस मैं जाके खालसा राज कायम करना है। सो इस इंग्लैंड की धरती तो उन्हां दी इह चिणक जिहड़ी है आखिरी साह तक रही, आखिरी साह तक वह अपना खालसा राज कायम करने लई जूझदे रहे। इंग्लैंड तो पैरिस, पैरिस तो रशिया, उस तो बाद फिर पैरिस, जिथे उन्हां दी आखिरी साह जिहड़े उन्होंने लए, उन्हां दी मौत हो जाती है। तो अज जिस अस्थान के उत्ते खड़े हुए हैं, इस शहर का नाम है जी एलबेडन थैटफर्ड, जिथे महाराजा नूं दफनाया गया सी क्रिश्चियन रीति रिवाजा मुताबक। तुसी जेकर मेरी साइड दे उत्ते देखो तां इत्थे लिखिया होया कॉमनवेल्थ वॉर ग्रेव्स। सो ये वो जगह, ये वो शमशान घाट है जिथे महाराजा महाराणी बंबा अते उन्हां दे सपुत्र अलैगजेंडर दियां जिहड़ियां देहां दफनाइयां गईयां, वो उन्हां दी मैंबरी उन्हां दी याद दे विच अज भी इत्थे बहुत सारे सिख आउंदे ने, पर एक गल जिहड़ी है नमोशी दे नाल कहनी पैंदी है। अज ये प्रोग्राम साडा बनाउण दा मकसद ये है कि पंजाब दे विच साडी सिख नौजवानी या फिर पंजाबी नौजवानी जिहड़ी है उन्हां नूं ये तां पता है कि सिद्धू मूसेवाले दा किहड़ा गीत आ रहा, करन औजले दा किहड़ा गीत आ रहा, या फिर लड़ना किहदे पिछे है, किहड़ा साडा उस्ताद है, पर अपने असली जुझारूआं नूं अज साडी कौम या साडे पंजाब दे असल वारस भुलाई बैठे ने, जिन्हां ने अखीरले दम तक साडे लई राज पैदा करन दी तांग अपने दिलां दे विच बनाई रखी, अज उन्हां नूं याद भी कोई नहीं करदा। कौन सी महाराजा दलीप सिंह, कौन सी महाराजा रणजीत सिंह, जेकर आपां दूर ना जांदे होए महाराजा दलीप सिंह दी जीवनी बारे गल कर लईए तां किवें चुनौतियां भरी जिंदगी सी, किवें उस वेले दी अंग्रेजी हकूमत वल्लों एक साजिश तहत पीस ट्रीटी दे अधीन, यानी कि पीस दा नारा दे के कि इत्थे शांति पैदा करनी है, खालसा राज नूं हौली हौली डिस्ट्रॉय कर दिता गया, जिस दे वादे भी किए गए कि जदों महाराजा दलीप सिंह 18 सालां दे हो जाणगे तां तुहाडा राज तुहानूं वापस दे दिता जाएगा, पर अज महाराजा दलीप सिंह दी देह इत्थे दफन, चीख चीख के यह पुकारदी होएगी कि कित्थे आ साडा खालसा राज, आखिर कदों दिओगे सानू खालसा राज। महाराजा दलीप सिंह जिन्हां दी देह इस जगह दे उत्ते दफन है अज भी सोचती होएगी, अज भी उही आवाज़ां उही गीतां दे बोल, यानी कि मैनू दर्दां वाला देश आवाज़ां मारदा, उन्हां दी चाह नहीं पूरी हो सकी,
सो प्राइड पंजाब टीवी के जरिए अज थानू जोड़ रहे हैं एलविडन थैटफर्ड की धरती तो हुण थानू दर्शन करवाने हैं उन्हां तिन्ने ही समाधां दे जे आपां पंजाबी बोली दे विच कहीए जां अंग्रेजी दे विच कह दीए तां ग्रेव्स कहा जाता है। सो वो इत्थे इस जगह दे उत्ते ने सिख जिहड़े लोकल ने इत्थे आउंदे ने हाजरियां भरदे ने नतमस्तक हुंदे ने अपने महाराजे नूं याद करदे आ पर की असीं उस वड्डे पत्तर दे उत्ते इन्हां साडे जिहड़े योधियां नूं याद कर सके आ। साडे लई अज नवोशी भरिया समां है क्योंकि असीं भुलाई बैठे हाँ साडे लई अज दे दो चार गीत गाउण वाले जिहड़े ने योधे हो गए पर साडे असली योधे जिहड़े सी असीं उहनां नूं भुला दित्ता है। अज समां जिहड़ा है सानू याद करन दा है कि खालसा राज किवें कायम किया गया किवें उस नूं जिहड़ा है गुलामी वल धक्किया गया किवें उहनूं तबाह किया गया इंग्लैंड की महाराणी एलिजाबैथ जी दे क्राउन दे विच कोहिनूर हीरा जिहड़ा है लग्या होया उह सानू बार बार इह कहिंदा है कि यह खालसा राज की अमानत है। इत्थे दे म्यूजियम्स दे विच महाराजा रणजीत सिंह होरां दे नाल संबंधित समगरी जिहड़ी पई होई है वह भी चीख चीख के ये गल्लां कहिंदी है पर साढ़े सिख गुरद्वारे दे झगड़िया दे विच लीडरां पिछे शराब दीआं बोतलां पिछे वोटां पाउण दे विच मशरूफ ने असीं किन्हां दे वारसां भुलाई बैठे हाँ आओ तुहानूं लैके चलदे हां अंदर। सो दोस्तों इस वेले असी उस जगह दे उत्ते मौजूद हाँ जिथे खालसा राज दा आखरी फरजंद खालसा राज दा वारस महाराजा दलीप सिंह जिस जगह दे उत्ते दफनाया गया उस जगह दे उत्ते मौजूद हाँ। इस जगह दे उत्ते आके एक वक्री ही तड़प जिहड़ी है वक्री ही चिणक पैदा हुंदी है। मैं इह नहीं कहांगा कि मेरे अंदर यह चिणक पैदा हो रही है मैं समझदा कि जिन्ने भी लोग पंजाब दे नाल संबंधित इस जगह दे उत्ते आउंदे होणगे हर एक दे अंदर यही तड़प जिहड़ी है वह पैदा हुंदी होएगी कि खालसा राज दा वारस जिसने खालसा राज नूं दुबारा संभालना सी डोगरियां दी कीती हुई उस वेले दी जिहड़ी बेवफाई है डोगरियां दा कीता होया धोखा अते अंग्रेजी हकूमत वल्लों किवें सिख राज नूं खत्म कीता गया सो किवें महाराजा रणजीत सिंह का सारे का सारा परिवार धोखे दे नाल खत्म किया गया हरी सिंह नलवे हरां नूं किवें धोखे दे नाल कत्ल कर दिता गया उन्हां नूं भी शहीद कर दिता गया। उस तों बाद एक एक उस राज का वारस जिहड़ा है वह इस बेवफाई दे नाल धोखे धड़ी दे नाल खत्म कर दिता गया। सब तो अखीर ते महाराणी जिंद कौर अते महाराजा दलीप सिंह बचे। गोरियां वालों ऐसी नीति अपनाई गई कि इस तरह असी खालसे नूं खत्म नहीं कर सकते इस तरह असी खालसा राज नूं खत्म नहीं कर सकते जे मलिया मेट कर भी देंगे तो भी ये चिणक जिहड़ी है इसे तरह पैदा होंदी रहेगी। फिर एक चाल दे तहत 7-8 साल दे महाराजा दलीप सिंह नूं पंजाब दी धरती तो किडनैप करके इंग्लैंड दे विच लिआंदा गया इत्थे उन्हां दे वाली वारस बनाए गए एक जोड़ा कपल जिहड़ा सी जो कि बहुत रब नूं मनण वाले सी चर्च दे आपां कह सकदे हां कि पादरी सी मतलब कि बहुत रब नूं मनण वाला वो ईसाई जोड़ा सी जिन्हां दे सपुरद कर दिता गया महाराजा दलीप सिंह होरां नूं जिन्हां ने देख रेख कीती बचपन ईसाई रीति रिवाजां दे मुताबक गुजरिया। उस तों बाद शराबां दे दौर चले उस तों बाद इत्थों दा जिहड़ा कल्चर सी उहनूं अपनाया महाराजा दलीप सिंह ने क्योंकि बचपन दे विच उह सारा कुछ सिखाया गया। मकसद इक्को इक सी ब्रिटिश दा कि जिहड़ी अंदर लहू दे विच जिहड़ी खालसे वाली जिहड़ी एक चिणक है ब्लड दे विच जिहड़ी खालसाई रौह रीता ने उन्हां नूं मिटाया जावे धर्म बदल दिता जावे खून बदल दिता जावे ख्यालात बदल दिते जाण कल्चर बदल दिता जावे तां कि कल नूं महाराजा दलीप सिंह दोबारा पंजाब जाण दा ना सोचे अपना राज पैदा करन दा ना सोचे। पर दोस्तो
उस परमात्मा की कृपा दे नाल जदों दोबारा महाराजा दलीप सिंह की मुलाकात हुंदी है अपनी माता दे नाल महाराणी जिंद कौर दे नाल, तां उस वेले महाराणी जिंद कौर वापस जदों नाल महाराजा दलीप सिंह दे इंग्लैंड आ जांदे ने तां उन्हां वल्लों समें समें दे उत्ते दलीप सिंह होरां नूं झंझोड़िया गया। उन्हां नूं दस्या गया कि उह किहदा वारस है, महाराजा रणजीत सिंह किवें अंग्रेज़ां ने धोखा कीता है, किवें डोगरियां ने धोखा कीता है, किवें साडा राज हुंदा सी। महाराणी जिंद कौर ने कल्ली कल्ली गल जदों दलीप सिंह होरां नूं दसी तां महाराजा दलीप सिंह होरी भी उस राज दी तड़प दे विच दिन रात जिहड़ा है उसलवेटे लैण लगे। अखीर उन्हां ने ईसाई मत तों दोबारा अपने अमृत पान करके सिंह सज गए ते दोबारा उन्हां दे अंदर तड़प पैदा हो गई कि मैं पंजाब जाके सिख राज कायम करांगा। सो सिख राज कायम करन दे मनोरथ दे नाल उन्हां ने अपना पल पल जिहड़ा इहदे विच बताउणा शुरू कर दिता। अखीर जदों गोरियां नूं ब्रिटिश नूं इह गल दा पता लग्गिया कि महाराजा जाणा चाहुंदा है पंजाब वापस अपना राज कायम करन, उत्थे सिखां नूं भी दस्या गया पंजाब दे विच कि महाराजा वापस आ रहा। जदों इह गल उत्थे पहुंची तां खुशी दी लहर दौड़ गई उत्थे दे सिखां दे विच, सिंघां दे विच कि साडा वारस वापस आ रहा, साडा राज वापस आएगा। पर गोरियां नूं इस गल दा पता लग गया, CID बड़ी वड्डी सी ते ऐसी उन्होंने व्यौंत बनाई कि महाराजा दलीप सिंह नूं नहीं पहुंचण देना, नहीं पहुंचण देना, जेकर पहुंच गया तां राज साडे हत्थों खुस जाणा है। सो महाराजा दलीप सिंह ने चोरी छुपे इत्थों जाणा कीता, पैरिस पहुंचदे ने, उत्थे दी जिहड़ियां सीक्रेट्स खुफिया एजेंसियां हुंदियां उन्हां दे नाल मिलदे ने, उन्हां वल्लों साथ देण दा जिहड़ा वादा कीता जांदा है। फिर अगे रशिया पहुंचदे ने, रशिया पहुंचण तो बाद उत्थे दीयां जिहड़ियां सेनावां सी उत्थों हैल्प दी जिहड़ी है पेशकश हुंदी है, पर उह किते ना किते परमात्मा नूं नहीं सी मंजूर, जां इस तरां दा कह लईए कि उस वेले सिचुएशन हालात नहीं बन सके कि महाराजा नूं रशिया तों पैरिस आउणा पिया। अखीर दे विच उत्थे ही उन्हां दे आखरी साह जिहड़े ने उन्हां ने लए, उत्थे उन्हां दी मौत हो जांदी है। सो दोस्तो उस तों बाद उन्हां दी मृतक दे वापस इंग्लैंड लियांदी जांदी है, इस जगह दे उत्ते लियांदी जांदी है ते जिस जगह दे उत्ते अज असीं बैठे होए आ, इस जगह दे उत्ते, इस जमीन दे थले, इस मिट्टी दे थले महाराजे दी जिहड़ी मृतक दे है उह दफन है जिस जगह दे उत्ते असीं बैठे होए आ। अंदर एक लूं कंडे खड़े करन वाली एक आपां स्पिरिट पैदा हुंदी है, इह गल्लां जदों करदे आ कि जिस जगह दे उत्ते असीं बैठे होए आ, इस जगह दे उत्ते महाराजे दी देह, मृतक देह इत्थे संभाली हुई है, इस जगह दे उत्ते जो तुसीं देख रहे हो। सो अज भी ये मृतक देह जिहड़ी है महाराजे दी, या महाराजे दी रूह कह सकते हैं, उन्हां दी स्पिरिट कह सकते हैं, अज भी ये सोचती होनी है कि मेरी चाह की सी ते अज मैं इंग्लैंड दे विच इत्थे दफन आ। चाहीदा तां ये सी कि अस्थियां जिहड़ियां ने कीरतपुर साहिब विखे परवाईयां जांदियां, सकून मिलदा, जां फिर खालसा राज दी प्राप्ति वाला उन्हां दी जिहड़ी चाह सी उह पूरी हुंदी। पर अज साढ़े नौजवान कोई नशे दे विच गलतान है, कोई गायकां पिछे लड़ रहा, कोई लीडरां पिछे लड़ रहा। सो बहुत कुछ हुंदा है, अज याद करियो इस जगह नूं देख के, साडा इको एक मकसद है इस जगह दे उत्ते थानू लै के आउण दा कि थानू दिखाया जावे कि खालसा राज दा आखरी महाराजा इंग्लैंड दे विच इस जगह दे उत्ते दफनाया गया सी। बहुतियां नूं पता भी नहीं होणा, जदों इत्थे सिख संगत हाजरी भरदी है, जदों उन्हां नूं पता लगता कि साढ़े आखरी महाराजे की जिहड़ी समाध कह लईए कि इस जगह दे उत्ते उन्हां दी ग्रेव बनी हुई है, तां दूरों दूरों संगतां जिहड़ियां ने इस थां दे उत्ते पहुँचदियां। सो वह फिर फुल लै के आउंदे ने, जां वख वख तरहां दे इत्थे लालटेन लैंप पए हुए ने। सो कुछ ना कुछ वह चाहुंदे ने कि इत्थे असीं जिहड़ा है लै के जाइए, तो याद करदे ने उस पलां नूं कि आखिर जेकर महाराजा दलीप सिंह उन्हां दी जद्दोजहद सी जिहड़ी पंजाब वापस परतन दी जेकर पूरी हो जाती तो अज ये नतीजिया की जगह कुछ होर नतीजे होंगे, जिमें खालसा राज की दोबारा प्राप्ति के लिए संघर्ष महाराजा दलीप सिंह ने आखिरी उम्र तक किया। सो पैरिस के उन्हों की मौत हो जाती है तो उन्हों की मृतक देह इंग्लैंड लिया के इस जगह के उत्ते दफन कर दी जाती है। Thank you.
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਆਏ ਹੈਗੇ ਆ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਗ੍ਰੇਵਯਾਰਡ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਆ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਲਈ, ਉਹ ਦੇਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਜਦੋਂ ਆਏ ਨੇ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਆਪਣੇ ਨੀਤੀਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਖਤਮ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਏਜੰਡਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਨਿਊ ਵਰਲਡ ਆਰਡਰ ਦਾ, ਨਵੀਂ ਦੁਨੀਆ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ, ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਉਹੀ ਇਹ ਸੇਮ ਨਸਲ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੰਡੀਆ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਰਾਜ ਆ, ਅਤੇ ਇਹ ਉਹੀ ਨਸਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸੇਮ DNA ਆ। ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਹ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨੇ ਕਿਉਂ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਕਿਉਂ ਖਤਮ ਕੀਤਾ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸੀਗੇ, ਸਿੱਖ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਆਹ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਰਾਜ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਸਿੱਖ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਰੱਬ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਲਾਈਟ, ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਅੱਛਾਈ, ਅਤੇ ਅੱਛਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ 1 ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸੀਗੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਓਪੋਜ਼ਿਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜੂਗੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਿਊ ਵਰਲਡ ਏਜੰਡਾ ਅਸੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਲੂਮੀਨਾਤੀ, ਗਲੋਬਲਿਸਟ ਜਾਂ ਏਲੀਟ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹ ਕਵਰ ਅਪ ਕਰਕੇ ਪੋਲਿਸੀਸ ਚਲਾ ਕੇ ਕਵਰ ਅਪ ਕਰਕੇ ਇਹ ਹਜੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਏਜੰਡੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰੇਵਸ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਵੱਖਰਾ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦ ਕੌਰ ਇੱਕ ਰੈਬਲ ਸੀਗੀ, ਸਿੱਖ ਰੈਬਲ ਸੀਗੀ, ਸਿੱਖ ਵਾਰੀਅਰ ਸੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਆਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੰਨਾ ਬੁਰਾ ਨਾ ਬਣੀਏ, ਅਸੀਂ ਮਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਪੜਾਇਆ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕ੍ਰਿਸਚੈਨਿਟੀ ਦੇ, ਜਾਂ ਕ੍ਰਿਸਚੈਨਿਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਸੈਟਨਿਜ਼ਮ, ਫਰੀ ਮੇਜ਼ਨਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਆ, ਉਹ ਇੰਡਕਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨੀ ਸੀਗੀ, ਸਿੱਖ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੋਂ ਤੋੜਨਾ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਆਹੀ ਮਕਸਦ ਸੀ। ਪ੍ਰਾਈਡ ਪੰਜਾਬ TV ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਲਵੇਡਨ ਥੈਟਫੜ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਜੋੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਦਫਨਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂ ਮਹਾਰਾਣੀ ਬੰਬਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਬੋਰਨ ਜੁਲਾਈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ, 6 ਜੁਲਾਈ 1848, ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 18 ਸਤੰਬਰ 1887 ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਹਾਰਾਣੀ ਬੰਬਾ ਨੂੰ ਦਫਨਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਇਨ ਮੈਮਰੀ ਆਫ ਐਲਬਰਟ ਐਡਵਰਡ ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਯੰਗੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨ ਸੀਗਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਛੋਟਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 13 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 13 ਸਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਉਹ ਭੋਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਅਗਸਤ 1879 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ 1 ਮਈ 1893 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਿਰਫ 13 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ 3 ਸਮਾਧਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ 3 ਗ੍ਰੇਵਸ ਜੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਥੈਟਫੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਅਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸੀਸ ਝੁਕਾਉਂਦਾ। ਪਰ ਗੱਲ ਉਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਰਦੇ ਕੀ ਪਏ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੀਆਂ। ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ, ਖੁਦ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਾਰਸ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਆਸ ਕਰਦਾ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਸਾਡੀ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਜਿਹਨੂੰ ਦਫਨਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਪੁਕਾਰਦੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਾਰਸ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਰਾਹੇ ਤੁਰ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਮਕਸਦ ਕੀ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਯਾਦਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਪ੍ਰਾਈਡ ਪੰਜਾਬ ਟੀਮ। ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਪੂਰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੇਖਣ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਸਾਡਾ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਪ੍ਰਾਈਡ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ, ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਪ੍ਰਾਈਡ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਵੀ ਕਰ ਲਵੋ।